जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का हमारे जाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए आरएस भर्ती 2024 के आपके सामने कब तक आ सकती है, क्या यह सब इंस्पेक्टर भर्ती के साथ में आएगी, अलग आएगी, क्या प्रोसेस रहेगी, कितने पदों पे आएगी, ये तमाम बातें आज इस सेशन देखने वाले। सेशन को ज्यादा से शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी ये न्यूज आपके कल की न्यूज देख ली होगी टेलीग्राम पे, हमने सबसे पहले भेजा टेलीग्राम का नाम ORJAT नाम से। ORJAT टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप देख सकते हो। और आरएस प्री का नोट्स भी आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से आप ORJAT नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के आरएस के नोट्स मिल जाएंगे। देखो आप सभी को पता है सब इंस्पेक्टर भर्ती और आरएस भर्ती, सब इंस्पेक्टर की जो न्यूज चल रही थी उस न्यूज के अनुसार आपको लग रहा था कि आपकी आरएस के अंदर एड कर दी जाएगी। तो इस न्यूज के अनुसार लग रहा है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं भाजपा सरकार की यह पहली भर्ती होगी और इसके अंदर आपके जो आपका चेयरमैन साहब हैं वो आपके चेयरमैन साहब यहां से रिटायर ले रहे हैं। जो आपका अध्यक्ष साहब हैं संजय कुमार जी वो आपके रिटायर ले रहे हैं यहां से। तो ये रिटायर लेने से अगस्त के अंदर इनका रिटायर है, इनसे पहले पहले ये चाहते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ जाए और आरएस 2024 का जो श्रेय है वो खुद लेना चाहते हैं। बेरोजगारों को आप मांग डिमांड पूरी करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से आरएस 2023 का जो परी था वो कंप्लीट हो चुका था, 905 पदों पर सॉरी। तो इसके अंदर आपका परीक्षा जुलाई के अंदर है, जो मेंस की परीक्षा है परी क्लियर कर चुके हैं उनकी मेंस की परीक्षा जुलाई के अंदर है और 2024 का आरएस परी जो होने वाला है वो भी आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। और इसके अंदर आरएस जो होगा इसके अंदर आपका आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा होगी आरपीएससी की एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अंदर आरपीएससी आधार वेरिफिकेशन बनाए बैठक लागू करेगी और एजेंसियों से हो रही है चर्चा। तो जितनी भी एजेंसी ग्रुप है जो आपके बायोमेट्रिक वगैरह करवा दिए उनसे आरपीएससी संपर्क कर रही है कि हमारे जो भी आगामी एग्जाम होंगे उनके अंदर आपको थम लेने हैं, बायोमेट्रिक लेना है, उसके बाद आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो इस टाइप से बायोमेट्रिक एग्जाम के अंदर होगी, जैसे कि इन्होंने उदाहरण के रूप में बताया है कि आपकी आरपीएससी केवल एक जो आपकी मेटल डिटेक्ट करा रही है तो इसकी वजह से डमी कैंडिडेट नहीं पकड़े जा रहे हैं। यूजीसी जो आपकी एग्जाम करवाती है, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपकी करवाती है उसके अंदर बायोमेट्रिक होता है तो उसकी वजह से डमी कैंडिडेट है वो आपको पकड़ा गया है। तो इस हिसाब से हम भी पकड़ना चाहते हैं और इसके अंदर आपको बायोमेट्रिक और आधार वेरिफिकेशन की वजह से काफी डमी कैंडिडेट यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, इस टाइप की इसके अंदर न्यूज में सर्व किया गया है। तो ये आपने न्यूज देखी होगी, ये भी देखा होगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं आरएस परी का, थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। आरएस परी 2024 का आती है तो इसके अंदर आपका बेसिक सिलेबस क्या रहता है। आप अदर किसी भी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस परी का भी एग्जाम देना चाहें तो आरएस परी का भी दीजिए। अब जब आरएस परी का कंप्लीट हो जाए तो आप मेंस की कोचिंग वगैरह करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको 4-5-6 महीने का टाइम मिल जाएगा, उस टाइम के अंदर रिटर्न की तैयारी करके इंटरव्यू बेस की तैयारी करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं आरएस के लिए। तो इसके लिए आप सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे 3 घंटे का आपको आरएस परी के अंदर समय मिलता है और 200 मार्क्स का इसके अंदर पेपर होता है। इसके अंदर पासिंग मार्क्स और कट ऑफ के अंदर इसके अंदर अंक नहीं जुड़ता, इसके अंदर आपको परी की कट ऑफ बनती है सीधी डायरेक्ट, उस परी की कट ऑफ के अंदर आप पास हो जाते हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हो। तो इसके अंदर आप 25% मार्क्स माइनस मार्किंग भी रहता है, इसके अंदर बहुत सी फॉक्स जो आपका रहता है जीके जीएस पे रहता है, इसके अंदर राजस्थान जीके का ज्यादा टारगेट किया जाता है, साथ में इसके अंदर करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, साथ में बेसिक रीजनिंग कंप्यूटर भी पूछा जाता है। तो इतना सारा इसके अंदर आता है वो आपका कवर हो जाता है तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। इसके अंदर जीके के अंदर बात करूँ तो इंडिया जीके भी पूछा जाता है, बेसिक इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है। इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर 4 सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कल्चर भूगोल, ठीक है। इस हिसाब से वर्ल्ड जीके के अंदर भी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह आ गई, इसके अंदर कवर करना होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर कुछ सर्वे पूछा जाता है, जैसे बजट वगैरह सारा इकोनॉमिक्स सर्वे जितना भी है लगभग इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है, फिर भी ज्यादा एक्स्ट्रा जो इकोनॉमी रहती है वो इसके अंदर कवर करनी पड़ती है। और जीएस के अंदर बात करूँ फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में कुछ इसके अंदर ज्ञान पूछा जाता है आपसे, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर आपको बेसिक रीजनिंग रहती है और कंप्यूटर रहती है और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा राजस्थान जीके का आपको हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएगा, वो प्ले स्टोर से ORJAT नाम से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे इसके अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर साइंस के भी सारे नोट्स अवेलेबल है और रीजनिंग के वीडियो कोर्स और नोट्स सारे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। और आरएस परी 2024 नाम से अलग से एक जो आपका लॉन्च कर रखा है आरएस परी जो आपका देख सकते हो वो भी आपको इसके अंदर ORJAT ऐप पे मिल जाएगा, वो भी आपको हस्तलिखित नोट्स बेहतरीन कर सकते हैं, उससे पढ़ के आप आरएस परी आराम से क्लियर कर सकते हैं। आरएस में जो सिलेक्शन लिए हैं उन लोगों ने आरएस के नोट्स हमने दिया है कि भाई आप सेल कर सकते हो बेहतरीन नोट्स हैं और इसके अंदर आरएस हमारा परी क्लियर है तो हम भी ऐसे नोट्स से परी क्लियर किया है उस हिसाब से नोट दे दिया है। तो ठीक है, उम्मीद है ये आपके सामने है, पूरे नोट्स भी अवेलेबल है और ये न्यूज़ भी आपको मैंने बता दी। आरएस की भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, शानदार
लगातार तरीके से आप तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।